हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अफसा प्रोडक्शन हाउस के मंच पर। दोस्तों, वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई इस वीडियो के थ्रू हम बनाने वाले हैं फैंटेसी क्रिकेट की बहुत ही परफेक्ट टीम, यानी कि एक विनिंग टीम। और साथ ही साथ भाई जानेंगे आज के मैच में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको अपनी टीम में जगह देनी चाहिए, कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसको लात और घूंसे मार के अपनी टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, और जहां पर ये मैच हो रहा है यहां के मैदान पर कौन सा खिलाड़ी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करता था। भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के थ्रू आप बना सकते हैं बहुत ही जबरदस्त टीम, और साथ ही भाई वीडियो के लास्ट में मैं बनाकर भी दूंगा एक बहुत ही बेहतरीन टीम जिसके साथ आप खेल सकते हैं। आप सभी को पता होगा भाई मैच नंबर 22 जो खेला जाने वाला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो भाई ये दोनों जब टीमें आपस में टकराएंगी तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो भाई इस मैच में कमाल और धमाल मचाएगा और हमारी फैंटेसी क्रिकेट की टीम को जिताएगा। हाँ तो दोस्तों, ये जो मैच है ना मंडे को यानी कि सोमवार को खेला जाने वाला है 23 अक्टूबर को 2 बजे से, इंडिया टाइम अनुसार आप इसको लाइव देख सकते हैं। और भाई ये जो मैच है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम यानी कि चेन्नई के मैदान पर ही खेला जाने वाला, तो भाई यहाँ के मैदान पर कौन सा ऐसा खिलाड़ी कमाल और धमाल मचाने वाला है, और यहाँ की जो पिच है क्या कहती है, भाई बैटिंग कंडीशन है, गेंदबाजी की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें भी जान लेते हैं। अभी तक इस मैदान पर 25 मैचेस खेले जा चुके हैं जिसमें भाई 15 मैच डिफेंड हुए हैं और 10 मैच चेज हुए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें भाई 260 के आसपास का इस मैदान का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें भाई 250 से कम का स्कोर इस मैदान पर अगर बनता है तो भाई मैच चेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं, और वहीं भाई 280 से ऊपर का स्कोर इस मैदान पर अगर बनता है तो भाई डिफेंड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं। फर्स्ट इनिंग का हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पर एशिया 11 ने बनाया था 337 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और फर्स्ट इनिंग का जो लोवेस्ट स्कोर इस मैदान पर है वो है भाई केनिया के नाम पर 69 रन इन्होंने बनाए थे 10 विकेट खोकर, और हाईएस्ट स्कोर जो इस मैदान पर चेस हुआ है वो 287 रन है, वेस्ट इंडीज ने किया था इंडिया के सामने 2019 में, और लोवेस्ट स्कोर जो इस मैदान पर डिफेंड हुआ है वो है 171 रन इंग्लैंड ने किया था साउथ अफ्रीका के सामने 2014 में। स्कोरिंग पैटर्न भी नजर डाल लेते हैं भाई, 200 से कम का स्कोर इस मैदान पर 4 बारी बन चुका है, और 200 से 249 के बीच में इस मैदान पर स्कोर 8 बारी बन चुका है, 250 से 299 के बीच में स्कोर इस मैदान पर 10 बारी बन चुका है, और वहीं 300 से ऊपर का स्कोर इस मैदान पर 3 बारी बन चुका है। ये जो चेन्नई का मैदान है ना थोड़ा सा ड्राई और हार्ड रहता है, यानी कि भाई यहाँ की जो कंडीशन रहती है वो भाई बैटिंग कंडीशन रहती है, यानी कि यहाँ पर जो बल्लेबाज होते हैं उनके बल्ले पे गेंद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है, लेकिन भाई यहाँ पर जो स्पिनर गेंदबाज है उनकी गेंदबाजी भी कमाल की होती है, यानी कि स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर विकेट निकालते हुए आपको नजर आते हैं। बाउंड्री लेंथ की अगर बात करें भाई आपको 64 से 71 मीटर की आपको इस मैदान की बाउंड्री देखने को मिलती है, वहीं यहाँ पर जो मैचेस होते हैं ज़्यादातर आपको मीडियम स्कोरिंग मैच ही देखने को मिलेगा, ना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच यहां पर जाता है ना ज्यादा लो स्कोरिंग मैच आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें भाई 1 से 10 ओवर के बीच में आपको कितना स्कोर देखने को मिल सकता है, तो भाई आपको 1 से 10 ओवर के बीच में स्कोर 55 से 60 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें भाई 40 ओवर तक आपको कितना स्कोर देखने को मिल सकता है, तो भाई 40 ओवर तक स्कोर आपको 150 से 170 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें 50 ओवर तक आपको कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो 240 से 270 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल सकता है 50 ओवरों में। तो दोस्तों यहां पर हमने पिच के बारे में भी जान लिया है, अब जानते हैं कि भाई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है, आज के मैच में कौन कौन सा खिलाड़ी खेलता हुआ हमको नजर आ सकता है, कौन सा खिलाड़ी हमें मैदान के बाहर दिखाई दे सकता है। सबसे पहले जानते हैं भाई पाकिस्तान की क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, तो भाई पाकिस्तान की यह होने वाली है पॉसिबल प्लेइंग 11। इसमें भाई अब्दुल्ला सफीक के साथ
इमामुल हक आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तीसरे नंबर पे आपको बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे, चौथे नंबर की बात करें तो आपको चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान खेलते हुए नजर आएंगे, और पांचवें नंबर पे सऊद शकील, और छठे नंबर पे आपको इफ्तिखार अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। वही बात करें भाई सातवें नंबर पे कौन से खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो भाई सातवें नंबर पे आपको शादाब खान या फिर मोहम्मद नवाज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं आपको आठवें नंबर पे भाई ओसामा अमीर, नौवें नंबर पे शाहीन अफरीदी, और दसवें नंबर पे आपको हसन अली खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और ग्यारहवें नंबर पे हारिस रऊफ खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये हो सकती है दोस्तों पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11। वहीं बात करें भाई अफगानिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो भाई ये हो सकती है अफगानिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11। इसमें आपको रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादान ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तीसरे नंबर पे आपको रहमत शाह, और चौथे नंबर पे आपको हसमतुल्लाह सहीदी, पांचवें नंबर की बात करें तो अजमतुल्लाह उमर जाई, और छठे नंबर पे मोहम्मद नबी खेलते हुए नजर आएंगे, वहीं सातवें नंबर पे आपको इकरम अली खेल, और वहीं आठवें नंबर पे राशिद खान, नौवें नंबर पे मुजीबुर रहमान, दसवें नंबर की बात करें तो दसवें नंबर पे आपको नवीनुल हक, और ग्यारहवें नंबर पे फजल हक फारूकी खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये हो सकती है अफगानिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11। अगर इन दोनों टीमों में कोई भी चेंजेस होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे मैच शुरू होने से पहले अपडेट दे देते हैं, और साथ ही साथ भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फैंटेसी क्रिकेट की एक नहीं दो नहीं तीन तीन टीमें मिल जाती है मैच शुरू होने से पहले, वो टीमें हम बहुत ही एनालाइज करने के बाद आपको देते हैं, तो भाई आप उन टीमों के साथ भी खेल सकते हैं। तो भाई हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर कमेंट बॉक्स में जाओगे वहां पर जो पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है वहां से ज्वाइन कर लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए। अब दोस्तों जानते हैं कि भाई दोनों टीमों में से कौन से ऐसे खिलाड़ी जो आज के मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं या फिर गेंदबाजी ताबड़तोड़ करने वाले, किसे रखना है किसको नहीं रखना है। सबसे पहले बात करते हैं भाई इमामुल हक की। भाई ये जो खिलाड़ी है काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है अपनी टीम के। लास्ट के 10 मैचों में भाई इमामुल हक ने 390 रन बनाए, पिछले मैच में भी काफी कमाल की पारी इन्होंने खेली थी। भाई ये इंजमाम का ना नाम खराब होने नहीं दे रहा, यानी कि कमाल की परफॉर्मेंस अभी तक तो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अफगानिस्तान के सामने भी भाई ये खिलाड़ी 5 मैचेस खेल चुका है, और उन 5 मैच में भाई क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है इस खिलाड़ी ने, 281 रन बनाए, यानी कि भाई जो अफगानिस्तान की गेंदबाज है ना उनकी काफी अच्छे से धुलाई करी है इमामुल हक ने। और भाई इस खिलाड़ी ने इंडिया के मैदान पर 4 ओडीआई मैचेस खेले हैं, और उन 4 मैचों में 133 रन बनाए, यानी कि इमामुल हक की जो परफॉर्मेंस है इंडिया के मैदान पर भी ठीक ठाक नजर आ रही है। वहीं वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने 12 मैचेस खेले हैं, उन 12 मैचों में 438 रन बनाए, 12 मैचों में भाई 438 रन, वर्ल्ड कप में भाई कमाल की परफॉर्मेंस नजर आ रही है इमामुल हक की। भाई आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी ना कमाल और धमाल मचाने वाला है, अफगानिस्तान की जो गेंदबाज है ना उनकी ये अच्छे से वाट लगाने वाला है। तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ भाई इमामुल हक को करना है क्या, कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन। वहीं दोस्तों बात करें भाई इस खिलाड़ी की यानी कि अब्दुल्ला शफीक की, तो भाई ये खिलाड़ी भी काफी अच्छी खासी लय में नजर आ रहा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है पाकिस्तान के लिए। लास्ट के 7 मैचों में 277 रन भाई इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, 7 मैचों में 277 रन, काफी कमाल की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। हालांकि अभी तक अफगानिस्तान के सामने कोई भी मैचेस नहीं खेले, और वहीं बात करें भाई इस खिलाड़ी ने 3 मैचेस इंडिया में ओडीआई के खेले हैं, और उन 3 मैचों में 187 रन बनाए, 3 मैचों में भाई 187 रन, कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ नजर आता है इंडिया के मैदान पर। सेम इनका जो ये रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड कप का भी सेम यही रिकॉर्ड है, 3 मैचेस खेले 187 रन बनाए। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी है ना कमाल और धमाल मचाने वाला है, लेकिन भाई कभी कभी ना अफगानिस्तान के जो गेंदबाज है वो इस खिलाड़ी को फंसाने की कोशिश करते हैं और फंसा भी
लेते हैं, जैसे कि भाई राशिद खान हो गए और फजल हक फारूकी की गेंदबाजी में ये खिलाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो अब्दुल्ला शफीक है 50-60 रन के आसपास मारते हुए आपको नजर आएंगे, तो भाई अब्दुल्ला शफीक को भी मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे रहा हूं। आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें बाबर आजम की, तो भाई लास्ट के 10 मैचों में इस खिलाड़ी ने 403 रन बनाए, 10 मैचों में 403 रन। यानी कि भाई जब ये खिलाड़ी फॉर्म में होता है तो इनकी बल्ले से ना क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हुई हमको दिखाई देती है। लेकिन अभी कुछ टाइम से इनकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी डगमगाई हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं बाबर आजम। अफगानिस्तान के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 5 मैचेस खेले हैं और 5 मैचों में 224 रन बनाए, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी है अफगानिस्तान के सामने। और वहीं बात करें भाई 4 मैचेस बाबर आजम ने ODI के खेले हैं इंडिया में और उन 4 मैचों में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई नजर आती है, क्योंकि भाई उन 4 मैचों में सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ने 83 रन बनाए हैं। 4 मैचों में 83 रन, बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस इनकी डगमगाई हुई नजर आ रही है इंडिया के मैदान पर जो ODI इन्होंने 4 खेले हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें वर्ल्ड कप की, तो भाई वर्ल्ड कप के 12 मैचेस बाबर आजम खेल चुके हैं और उन 12 मैचों में बनाए हैं भाई इस खिलाड़ी ने 557 रन। यानी कि भाई उन 12 मैचों में क्या कमाल की परफॉर्मेंस करी है बाबर आजम ने। लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई जो अफगानिस्तान के जो गेंदबाज है ना उनके सामने ये जो बाबर आजम ने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते, जैसे कि भाई राशिद खान हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, फजल हक फारूकी हो गए। लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी ना बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आएगा और दिखाएगा कि भाई मैं हूं बाबर आजम, पहले मैं जैसा खेलता था अब मैं उससे भी बढ़िया खेलकर आपको दिखाऊंगा। यानी कि भाई कमाल और धमाल करते हुए नजर आ सकते हैं आज के मैच में बाबर आजम। तो भाई बाबर आजम को मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूं और भाई इस खिलाड़ी को ना मैं कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा, क्योंकि भाई इस खिलाड़ी के अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है भाई अच्छे खासा स्कोर खड़ा करने की। तो भाई बाबर आजम को मैं अपनी टीम में जगह दूंगा, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें भाई मोहम्मद रिजवान की, तो भाई क्या बात है भाई मोहम्मद रिजवान की, तो भाई जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लास्ट के 10 मैच में भाई इस खिलाड़ी ने 508 रन बनाए, 508 रन जिसमें 1 शतक लगाया है, 4 हाफ सेंचुरी भी लगाई, यानी ये कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं यार मोहम्मद रिजवान। अफगानिस्तान के सामने भाई इस खिलाड़ी ने यानी कि मोहम्मद रिजवान ने 3 मैचेस खेले हैं और उन 3 मैचों में 90 रन बनाए, यानी कि 3 मैचों में अफगानिस्तान के सामने 90 रन कुछ खास नहीं कहते, मतलब ज्यादा ना ज्यादा हाई है और ना ज्यादा लो है, एवरेज परफॉर्मेंस कह सकते हैं। वहीं अगर बात करें भाई इंडिया में, भाई इस खिलाड़ी ने 4 ODI मैचेस खेले और उन 4 ODI मैचों में 294 रन बनाए, भाई 294 रन 4 मैचों में। यानी कि जो इंडिया का ग्राउंड है, इंडिया की जो सरजमीन है ना, उस पर इनको खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वर्ल्ड कप का भी भाई इसी खिलाड़ी का सेम यही रिकॉर्ड है। और मोहम्मद रिजवान ना साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी करता, तो एक आधा कैच पकड़ेंगे और स्टंपिंग करेंगे तो भाई वहां से भी हमको पॉइंट देकर जाएंगे। आज के मैच में मुझे लगता है कि ये जो खिलाड़ी 50-60 रन के आसपास मारेगा, एक आधा कैच वगैरह भी पकड़ेगा, तो काफी अच्छे खासे पॉइंट हमको मोहम्मद रिजवान देकर जा सकते हैं। लेकिन भाई अफगानिस्तान के जो गेंदबाज है ना, उनको पता है कि भाई मोहम्मद रिजवान कैसा खिलाड़ी है, इनको अपनी गेंदबाजी में फंसाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भाई कुछ गेंदबाज अफगानिस्तान के जो है वो है मुजीबुर रहमान हो गए, राशिद खान हो गए, फजल हक फारूकी हो गए, ये खिलाड़ी जो है इस खिलाड़ी को अपनी गेंदबाजी में फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है भाई ये खिलाड़ी फंसने वसने वाला नहीं, अपना काम करके तो जाएगा ही जाएगा। तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ भाई अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो एक टीम में भाई इस खिलाड़ी को ना कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन कर देना है। वहीं दोस्तों बात करें सऊद शकील की, तो भाई इस खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो अभी कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रही, यानी कि एवरेज परफॉर्मेंस कह सकते हैं। किसी मैच में चलते हैं, किसी मैच में बहुत ही जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। लास्ट के 10 मैचों में इस खिलाड़ी ने 211 रन बनाए, 10 मैचों में 211 रन, यार कुछ खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। और भाई इस खिलाड़ी ने अफगानिस्तान के सामने भी 1 मैच खेला है, उस मैच में भी भाई 9 रन बनाकर आउट होकर चले गए थे। यानी कि अफगानिस्तान के जो गेंद
गेंदबाज है ना, उनको ये खिलाड़ी झेल नहीं पाता है, जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। और वहीं बात करें भाई इंडिया के मैदान पर साउथ शकील ने 4 ODI मैचेस खेले हैं और उन 4 मैचों में सिर्फ और सिर्फ भाई 135 रन बनाए हैं। 4 मैचों में 135 रन, कुछ खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई वर्ल्ड कप का भी सेम इनका यही रिकॉर्ड है। तो आज के मैच में मुझे लगता है कि जो साउथ शकील कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं जा पाएंगे, जो अफगानिस्तान के गेंदबाज हैं इनको बहुत ही जल्दी निपटा कर पवेलियन वापस भेज देंगे। तो भाई साउथ शकील से आज के मैच में मैं थोड़ा सा दूरी बनाकर रखूंगा, आप भी इस खिलाड़ी से दूरी बनाकर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें इफ्तिखार अहमद की, तो भाई ये भी कमाल का खिलाड़ी है यार। जब बल्लेबाजी का नंबर आता है तो अपने बल्ले से भी कमाल करते हैं, और जब गेंदबाजी का नंबर आता है तो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल और धमाल मचाते हैं भाई, इसीलिए इनका नाम है इफ्तिखार अहमद। वैसे लास्ट के 10 मैचों में इस खिलाड़ी ने यार 287 रन बनाए हैं और साथ ही साथ भाई 5 विकेट भी अपने नाम पर की। अफगानिस्तान के सामने 2 मैचेस खेले हैं और उन 2 मैचों में इस खिलाड़ी ने 46 रन बनाए, यानी कि अफगानिस्तान के सामने जो इनकी बल्लेबाजी है थोड़ी सी डगमगाई हुई नजर आती है। वहीं बात करें इफ्तिखार अहमद ने 4 ODI मैचेस खेले हैं इंडिया के मैदान पर और उन 4 मैचों में 61 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप का भी भाई इस खिलाड़ी का सेम रिकॉर्ड है, 4 मैचों में 61 रन बनाए हैं और साथ ही साथ 1 विकेट भी अपने नाम पर किया है। थोड़ी सी इनकी जो परफॉर्मेंस है डगमगाई हुई नजर आ रही, लेकिन भाई आज के मैच में मुझे लगता है ना कि भाई ये जो खिलाड़ी है भाई कमाल और धमाल करके जाएगा। कम से कम इनके बल्ले से 30-35 रन के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, और भाई वहीं जब गेंदबाजी लेकर आएंगे तो अपनी गेंदबाजी से एक आधा विकेट भी तो निकालेंगे, तो काफी कमाल के पॉइंट हमको देकर जा सकते हैं इफ्तिखार अहमद। और इनके अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है भाई की अच्छे खासे चौके छक्के मारते हुए नजर आ सकते हैं। तो भाई इफ्तिखार अहमद को मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें शादाब खान की, तो भाई शादाब खान भी खाते हैं पान वान, तो इनकी भी जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक नजर आती है, काफी कमाल करते हुए कभी कभी भाई हमको ये खिलाड़ी नजर भी आता है। लास्ट के 10 मैचों में अलग ही 137 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, लेकिन भाई जब गेंदबाजी कराते हैं तो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हैं। लास्ट के 10 मैचों में 10 विकेट अपने नाम पर इस खिलाड़ी ने किए, यानी कि जब भाई बल्लेबाजी का नंबर आता है तो बल्ले से कमाल दिखाते हैं, और जब गेंदबाजी लेकर आते हैं तो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हुए हमको दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 4 मैचेस खेले हैं और उन 4 मैचों में बनाए हैं 101 रन और साथ ही साथ 5 विकेट भी अपने नाम पर की, यानी कि अफगानिस्तान के सामने इनका बल्ला भी चलता है और इनकी गेंदबाजी जो रहती है वो भी बिल्कुल सटीक जाती है, यानी कि विकेट निकालते हुए नजर आते हैं। वहीं शादाब खान ने भाई इंडिया के मैदान पर 3 ODI मैचेस खेले हैं और उन 3 मैचों में 34 रन बनाए हैं। 3 मैचों में 34 रन, आप कहेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा लो परफॉर्मेंस, क्या होता है कभी कभी भाई इनकी जो बल्लेबाजी बहुत ही ज़्यादा नीचे आती है, कभी कभी आती भी नहीं है, लेकिन 2 विकेट भी उन 3 मैचों में अपने नाम पर किए। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड कप की तो 10 मैचेस इन्होंने वर्ल्ड कप के खेले हैं और उन 10 मैचों में 77 रन बनाए और साथ ही साथ भाई 11 विकेट भी अपने नाम पर किए। कभी कभी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं शादाब खान, मुजीबुर रहमान के सामने, राशिद खान के सामने, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी ना ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने वाला है, बल्लेबाजी का नंबर आएगा तो अपने बल्ले से भी कमाल करेंगे और अपनी गेंदबाजी का नंबर आएगा तो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हुए नजर आएंगे। अगर शादाब खान आज के मैच में खेलते हैं तो इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में जगह दे सकता हूं, बाकी आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं अगर ये खिलाड़ी आज के मैच में खेलता है तो। वहीं अगर बात करें भाई मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज की जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी ज्यादा डगमगाई हुई नजर आ रही। लास्ट के 10 मैचों में मोहम्मद नवाज ने सिर्फ और सिर्फ बनाए 118 रन और 8 विकेट अपने नाम पर की, यानी कि जो इनकी परफॉर्मेंस है ना बैट से दिखाई दे रही है और ना गेंदबाजी से नजर आ रही है। अफगानिस्तान के सामने भी जो इनका बल्ला है बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान के सामने इस खिलाड़ी ने 2 मैचेस खेले हैं और उन 2 मैचों में 40 रन बनाए, लेकिन भाई अपनी गेंदबाजी से कमाल किया है। अफगानिस्तान के सामने 5 विकेट अपने नाम पर किए हैं उन 2 मैचों में। इंडिया के मैदान पर भाई मोहम्मद नवाज ने 4 ODI मैचेस खेले हैं और उन 4 मैचों में 57 रन बनाए, 4 मैचों में 57 रन और साथ ही साथ 2 विकेट अपने
अपने नाम पर के थोड़ी सी डगमगाई हुई इनकी परफॉर्मेंस नजर आती है गेंदबाजी में। वर्ल्ड कप का भी भाई इनका ये सेम रिकॉर्ड यही है। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी है ना, इनकी जो परफॉर्मेंस थोड़ी सी डगमगाई हुई नजर आ सकती है। अगर ये खिलाड़ी आज के मैच में खेलता है तो मैं इस खिलाड़ी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखूंगा। आप भी थोड़ा सा दूरी बनाकर रख सकते हैं अगर ये खिलाड़ी आज के मैच में आपको खेलता हुआ नजर आता है तो। वहीं दोस्तों बात करें ओसामा अमीर की, तो भाई इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी बहुत डगमगाई हुई नजर आ रही है। लास्ट के 10 मैच में इस खिलाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ 40 रन बनाए हैं और साथ ही साथ भाई 12 विकेट अपने नाम पर के 10 मैचों में 12 विकेट एवरेज परफॉर्मेंस कह सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के सामने ओसामा अमीर ने 2 मैच खेला है और उन दोनों मैच में सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए हैं और 1 विकेट अपने नाम पर किया। इंडिया के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने ओडीआई का इंडिया के मैदान पर 1 मैच खेला है और उस 1 मैच में कोई भी रन इनके नाम पर नहीं है लेकिन 1 विकेट अपने नाम पर इन्होंने किया। सेम यही रिकॉर्ड इनका वर्ल्ड कप का भी नजर आता है। आज के मैच में मुझे लगता है कि जो ओसामा अमीर है ना, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। जब बल्लेबाजी का नंबर आएंगे तो 5-10 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाएंगे और जब गेंदबाजी कराने आएंगे तो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल धमाल नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक आधा विकेट इनको मिल सकता है लेकिन थोड़ी बहुत इनकी पिटाई भी हो सकती है। तो भाई ओसामा अमीर से आज के मैच में मैं थोड़ा सा दूरी बनाकर रखूंगा। आप भी इस खिलाड़ी से दूरी बनाकर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें भाई शाहीन अफरीदी की, तो भाई ये खिलाड़ी भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। हर मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देता है ये खिलाड़ी। एक आधा विकेट तो भाई अपने नाम पर आराम से कर लेते हैं। वैसे लास्ट के 10 मैचों में शाहीन अफरीदी ने भाई 10 मैचों में 20 विकेट अपने नाम पर किए, यानी कि कमाल की गेंदबाजी कराते हुए नजर आते हैं। एवरेज देखी जाए तो हर मैच की 2 विकेट इनके नाम पर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों इस खिलाड़ी ने भाई अफगानिस्तान के सामने 5 मैचेस खेले हैं और उन 5 मैच में भाई 12 विकेट अपने नाम पर किए शाहीन अफरीदी ने। यानी कि भाई पाक अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज होते हैं ना, उनकी अच्छे से वाट लगा के रखते हैं। अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज है शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी देखकर, उनकी स्पीड देखकर ना डगमगाते हुए नजर आते हैं और शाहीन अफरीदी भाई किल्ला भी चटका देते हैं, यानी कि विकेट निकाल लेते हैं। इंडिया के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने 4 मैचेस ओडीआई के खेले हैं और उन 4 मैचों में 9 विकेट अपने नाम पर किए। 4 मैचों में 9 विकेट काफी कमाल की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं बात करें भाई वर्ल्ड कप की, तो भाई वर्ल्ड कप में 9 मैचेस शाहीन अफरीदी ने खेले हैं और 9 मैचों में भाई 25 विकेट अपने नाम पर किए। यानी कि भाई ये खिलाड़ी भी बहुत ही कमाल और धमाल का होने वाला है। तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे रहा हूं। आप भी इस खिलाड़ी को जगह दे सकते हैं। बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो 1 टीम में शाहीन अफरीदी को क्या बनाना है, कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन। हसन अली की बात करो तो भाई लास्ट के 10 मैचों में इस खिलाड़ी ने 15 विकेट अपने नाम पर किए। हसन अली की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक नजर आ रही है लास्ट के 10 मैचों में। लेकिन अफगानिस्तान के सामने इस खिलाड़ी ने 1 मैच खेला है और 1 विकेट अपने नाम पर किया। वहीं बात करें भाई इंडिया में कितने ओडीआई मैचेस खेले हैं हसन अली ने, तो भाई 4 ओडीआई मैचेस हसन अली ने इंडिया के मैदान पर खेले हैं और उन 4 मैचों में 7 विकेट अपने नाम पर किया है। वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई वर्ल्ड कप के 8 मैचेस खेल चुके हैं और 8 मैचों में 11 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं। आज के मैच में मुझे लगता है कि जो हसन अली ना एक आधा विकेट अपने नाम पर कर लेंगे लेकिन थोड़ी बहुत इनकी पिटाई हो सकती है। तो हसन अली से मैं तो दूरी बनाकर रखूंगा। बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो 1 टीम में इस खिलाड़ी को यानी कि हसन अली को जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें हारिस रऊफ की, तो भाई ये भी खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। क्या कमाल की गेंदबाजी कराते हुए नजर आते हैं। अच्छे अच्छे जो बल्लेबाज होते हैं ना, इस खिलाड़ी की गेंदबाजी में फंस जाते हैं, मतलब पजल हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ी हारिस रऊफ की गेंदबाजी के सामने। और लास्ट के 10 मैचों में भाई इस खिलाड़ी ने 22 विकेट अपने नाम पर किए। 10 मैचों में 22 विकेट, यार कमाल की परफॉर्मेंस नजर आ रही है हारिस रऊफ की। अफगानिस्तान के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 2 मैचेस खेले हैं और उन 2 मैचों में 5 विकेट अपने नाम पर किए। यानी कि अफगानिस्तान के सामने भी जो इस खिलाड़ी की गेंदबाजी है वो कमाल की नजर आती है और भाई इंडिया के मैदान पर हारिस रऊफ 4 ओडीआई मैचेस खेले हैं और उन 4 ओडीआई मैचों में 8 विकेट इस खिलाड़ी ने अपने नाम पर किए। वर्ल्ड कप का भी भाई सेम यही रिकॉर्ड है हारिस रऊफ का। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी ना कमाल और धमाल करने वाला है, शाहीन अफरीदी से भाई पीछे नहीं रहेगा ये खिलाड़ी मुझे लगता है। तो 2-3 विकेट अपने नाम पर
पर कर सकते हैं हारिस रऊफ। तो भाई हारिस रऊफ को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे रहा हूं, आप भी इसी खिलाड़ी को अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें रहमानुल्लाह गुरबाज की, तो भाई ये खिलाड़ी भी भाई अच्छों की वाट लगा के रखता है, यानी कि ये साबित करता है खिलाड़ी की भाई मेरे अंदर भी वो पावर है कि मैं अच्छे खासे रन बना सकता हूँ। लास्ट के 10 मैचों में इस खिलाड़ी ने 344 रन बनाए हैं, 10 मैचों में 344 रन, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हैं, जिसमें एक शतक भी इस खिलाड़ी ने लगाया है। पाकिस्तान के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 3 मैचेस खेले हैं और 3 मैचों में 174 रन, यानी कि भाई पाकिस्तान के जो गेंदबाज होते हैं ना उनकी ये रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छे से लगा के रखते हैं। ये भी बोलते हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं है, तुम कितनी भी स्पीड में गेंदबाजी कराओ हम भाई सभी का एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर चलते हैं। तो भाई रहमानुल्लाह गुरबाज जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं पाकिस्तान के सामने। और वहीं बात करें इस खिलाड़ी ने भाई 4 ओडीआई मैचेस इंडिया के मैदान पर खेले हैं और 4 मैचों में 159 रन बनाए, 4 मैचों में 159 रन, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हैं। वर्ल्ड कप का भी भाई इस खिलाड़ी का सेम यही रिकॉर्ड, 4 मैचों में 159 रन। हालांकि कभी कभी फंसते हुए नजर आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज हारिस रऊफ के सामने, शाहीन अफरीदी के सामने और हसन अली के सामने, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आज के मैच में ये जो खिलाड़ी ना कमाल और धमाल मचाने वाला है, जब तक पाकिस्तानी गेंदबाज इनको अपनी गेंदबाजी में फंसाएंगे आउट करेंगे, जब तक ये खिलाड़ी अपना कमाल और धमाल करके जा चुका होगा, यानी कि 60-70 रन इनके बल्ले से देखने को मिल सकते हैं। और भाई जब ये मैदान पर टिक जाएगा खिलाड़ी तो भाई इनके बल्ले से ना अच्छे खासे रन भी आपको देखते हुए नजर आएंगे। तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ भाई मैं बनाऊंगा रहमानुल्लाह गुरबाज को कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन, आप भी इस खिलाड़ी को कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन बनाकर अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें इब्राहिम जादरान की, तो भाई जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी बहुत डगमगाई हुई नजर आती है, किसी किसी मैच में कमाल कर देते हैं और उसके बाद 2-3 मैच में बहुत ही जल्दी पवेलियन वापस चले जाते हैं। हालांकि लास्ट के 10 मैच में इस खिलाड़ी ने 249 रन बनाए हैं, 10 मैचों में 249 रन, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। पाकिस्तान के सामने भी जो इनकी बल्लेबाजी वो काफी कमजोर हमको दिखाई देती, क्योंकि भाई पाकिस्तान के सामने 3 मैचेस खेल चुके हैं और उन 3 मैचों में सिर्फ और सिर्फ भाई 80 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। यहां के मैदान पर भी भाई इस खिलाड़ी ने एक मैच खेला है और उस एक मैच में सिर्फ और सिर्फ 14 रन बनाए थे, एक मैच में 14 रन है यहां के मैदान पर, यानी कि जो इनका ये मैदान है इस पर भी इनकी जो बल्लेबाजी है वो कुछ खास नजर नहीं आती। वहीं बात करें भाई इंडिया में कितने ओडीआई मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले, तो भाई इंडिया में 5 ओडीआई मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 5 मैच में सिर्फ और सिर्फ 88 रन बनाए, यानी कि भाई इंडिया में इस खिलाड़ी का जो बल्ला है वो भी हमको चलता हुआ नजर नहीं आता है। और साथ ही साथ भाई वर्ल्ड कप के 4 मैचेस खेल चुके हैं और उन 4 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 86 रन इस खिलाड़ी ने बनाया, तो भाई वर्ल्ड कप में भी जो इनका बल्ला है वो कुछ खास कमाल और धमाल नहीं करता है। तो आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई जो इब्राहिम जादरान है ना वो बहुत ही जल्दी पवेलियन वापस जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ऐसे गेंदबाज है जो इनको अपनी गेंदबाजी में फंसाकर जल्दी पवेलियन वापस भेज सकते हैं, जैसे कि भाई शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए। हाँ तो दोस्तों इसीलिए मैं भाई आज के मैच में इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूं, बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो एक टीम में अगर इस खिलाड़ी को जगह देना चाहें तो जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें भाई रहमत शाह की, तो भाई इन पर भी रहमतों की अभी बारिश हो नहीं पा रही है, भाई इनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो डगमगाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाई लास्ट के 10 मैचों में रहमत शाह ने सिर्फ और सिर्फ 161 रन बनाए हैं, 10 मैचों में 161 रन, कुछ कमाल की परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, यानी कि जो इनकी बल्लेबाजी काफी डगमगाई हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान के सामने भी जो इनकी बल्लेबाजी होती है वो भी डगमगाई हुई नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 3 मैचेस खेले हैं और उन 3 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 76 रन बनाए, और यहाँ के मैदान पर इस खिलाड़ी ने एक मैच खेला है और उस एक मैच में भी कोई कमाल और धमाल इन्होंने नहीं किया है, उस एक मैच में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाई 36 रन बनाए हैं। और वहीं बात करें भाई इंडिया में कितने ओडीआई मैचेस ये खिलाड़ी खेल चुका था, भाई इंडिया में 17 ओडीआई मैचेस ये खिलाड़ी खेल चुका है और 17 मैचों में 526 रन अपने नाम पर कर चुके हैं, यानी कि इंडिया के मैदान
जान से, इंडिया की सरजमीन से ये बखूबी वाकिफ हैं और यहाँ के मैदान पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए नजर भी आते हैं। वहीं अगर बात करें भाई वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप के 13 मैचेस खेल चुके हैं और 13 मैचों में 327 रन बनाए, 13 मैचों में 327 रन, यार कुछ कमाल की परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी है ना, कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं जा पाएंगे, जल्दी पवेलियन वापस चले जाएंगे, क्योंकि भाई शाहीन अफरीदी के सामने और मोहम्मद नवाज के सामने ना स्ट्रगल करते हुए हमको दिखाई देते, तो आज के मैच में भाई इसी खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूं, बाकी आप भी इस खिलाड़ी थोड़ा सा दूरी बनाकर रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें भाई हसमतुल्ला शहीदी की, तो भाई जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, वो भी अभी मुझे एवरेज परफॉर्मेंस नजर आई, जो कैप्टनसी पारी होती है ना वो अभी दिखाई नहीं दे रही। लास्ट के 10 मैचों में भाई इस खिलाड़ी ने 290 रन बनाए हैं, 10 मैचों में 290 रन, यार कुछ कमाल की परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के सामने भाई इस खिलाड़ी ने 5 मैचेस खेले हैं और उन 5 मैचों में 125 रन बनाए हैं। वहीं भाई यहां के मैदान पर यानी कि चेन्नई के मैदान पर एक मैच खेला है और उस एक मैच में 8 रन बनाकर यानी कि बहुत ही जल्दी पवेलियन वापस चले गए थे। लेकिन भाई इस खिलाड़ी ने इंडिया के मैदान पर 7 ओडीआई मैचेस खेले हैं और उन 7 मैचों में 207 रन बनाए हैं, यानी कि कमाल की परफॉर्मेंस नजर आती है इंडिया के मैदान पर। भाई वर्ल्ड कप की बात करें तो 12 मैचेस खेल चुके हैं भाई वर्ल्ड कप के, उन 12 मैचों में 317 रन इस खिलाड़ी ने बनाए, यानी कि वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक नजर आती है। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी है ना, अच्छी खासी परफॉर्मेंस करने वाला है और कमाल की परफॉर्मेंस करके भी देगा, तो 50-60 रन आज के मैच में मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी के बल्ले से हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे गेंदबाज है ना, जो इनको लंबी पारी खेलने नहीं देते हैं, अपनी गेंदबाजी में फंसा लेते हैं, जैसे कि शाहीन अफरीदी हो गए भाई, इनकी गेंदबाजी में ये खिलाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। लेकिन आज के मैच में 50-60 रन इनके बल्ले से हमको देखने को मिल सकते हैं, तो भाई इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें अजमतुल्ला उमर जाए की, तो भाई ये भी कमाल का खिलाड़ी है यार, जब बल्लेबाजी का नंबर आता है तो अपने बल्ले से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं, जब गेंदबाजी का नंबर आता है तो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हुए दिखाई देते हैं। लास्ट के 10 मैचों में 232 रन इस खिलाड़ी ने बनाए, 10 मैचों में 232 रन ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हैं, साथ ही साथ भाई 5 विकेट भी अपने नाम पर इस खिलाड़ी ने किए हैं। हालांकि पाकिस्तान के सामने एक मैच इस खिलाड़ी ने खेला है और उस एक मैच में 16 रन इन्होंने बनाए थे और साथ ही साथ विकेट इनको कोई भी उस मैच में नहीं मिला था। और वहीं बात करें भाई चेन्नई के मैदान पर इस खिलाड़ी ने कितने मैचेस खेले, तो भाई चेन्नई के मैदान पर इस खिलाड़ी ने एक मैच खेला है और उस एक मैच में भाई 27 रन बनाए थे और 2 विकेट अपने नाम पर किए, यानी कि एक मैच में 2 विकेट, भाई कमाल की परफॉर्मेंस कह सकते हैं। इंडिया के मैदान पर भाई इसी खिलाड़ी ने 4 ओडीआई के मैचेस खेले हैं और उन 4 मैचों में 125 रन बनाए हैं, 2 विकेट अपने नाम पर किया। वर्ल्ड कप का भी भाई सेम इनका यही रिकॉर्ड है। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी ना, जब बल्लेबाजी का नंबर आएगा तो बल्लेबाजी से भी कमाल करते हुए नजर आएंगे और जब गेंदबाजी का नंबर आएगा तो भाई गेंदबाजी से भी कमाल करते हुए दिखाई देंगे। तो भाई उमर जई को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। मोहम्मद नबी की अगर बात करो भाई, लास्ट के 10 मैचों में 149 रन इस खिलाड़ी ने बनाए, 7 विकेट अपने नाम पर की, यानी कि जो इनका बल्ला है वो भी कमाल नहीं करता, जब बल्लेबाजी का नंबर आता है तो कमाल और धमाल नहीं करके जा पाते, गेंदबाजी से भी कमाल नहीं करके दिखा पा रहे भाई। तो मोहम्मद नबी की जो परफॉर्मेंस है वो मुझको अभी ठीक ठाक नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान के सामने भी 7 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेला है, 114 रन बनाए, 7 मैचों में 114 रन ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ भाई 6 विकेट अपने नाम पर की, यानी कि मोहम्मद नबी की जो परफॉर्मेंस है वो ना ज्यादा हाई नजर आ रही है पाकिस्तान के सामने और ना ज्यादा ही लो नजर आ रही है, यानी कि एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग कह सकते हैं। चेन्नई के मैदान पर भाई मोहम्मद नबी ने एक मैच खेला है और उस एक मैच में सिर्फ और सिर्फ 7 रन इस खिलाड़ी ने बनाए। वहीं बात करें भाई इंडिया में कितने ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं मोहम्मद नबी, तो भाई इंडिया में 16 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं और उन 16 ओडीआई मैचों में 356 रन बनाए, यानी कि कमाल की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। 16 मैचों में 356 रन ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हैं और साथ ही साथ भाई 13 विकेट भी अपने नाम पर किए हैं मोहम्मद नबी ने। इंडिया का मैदान इनको ना बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है। वहीं बात करें भाई वर्ल्ड कप की, तो भाई वर्ल्ड कप के 19 मैचेस खेल चुके हैं, यानी कि वर्ल्ड कप खेलने का भाई इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन 19 मैचों में 239 रन
बनाए हैं, 239 रन बनाए थे और साथ ही साथ 15 विकेट भी अपने नाम पर किए। तो भाई मोहम्मद नबी की जो परफॉर्मेंस है वो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक ठाक नजर आई, लेकिन भाई पाकिस्तान के कुछ ऐसे गेंदबाज हैं उनके सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि हारिस रऊफ हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए। तो आज के मैच में मुझे लगता है कि जो मोहम्मद नबी ना वो कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं जा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन भाई अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हो ना तो एक टीम में मोहम्मद नबी को जगह दे सकते हैं, क्योंकि भाई ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर सकते हैं आज के मैच में, यानी कि बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं और अपनी गेंदबाजी से भी कमाल कर सकते हैं। इकरम अली खेल की अगर बात करें भाई, जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो भी डगमगाई हुई नजर आ रही है। जो इकरम अली खेल है ना वो सही से खेल नहीं पा रहे यार, लास्ट के 10 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 204 रन इस खिलाड़ी ने बनाए, 10 मैचों में 204 रन, और पाकिस्तान के सामने जो इनका बल्ला है वो भी कमाल और धमाल कुछ नहीं करता है। 3 मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान के सामने और 3 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 28 रन बनाए, यानी कि भाई इनको मुझे लगता है कि बल्ला चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने इनका जो बल्ला है वो चलता ही नहीं है। तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। चेन्नई के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने 1 मैच खेला है और उस 1 मैच में सिर्फ और सिर्फ 19 रन बनाए। वही बात करें भाई ओडीआई की, तो भाई ओडीआई में 7 मैचेस खेले, 166 रन बनाए, 7 मैचों में 166 रन कुछ कमाल की परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भाई वर्ल्ड कप में 9 मैचेस खेले हैं, 219 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप की जो इनकी परफॉर्मेंस वो एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इकरम अली खेल की जो परफॉर्मेंस है वो मेरे को खास नजर नहीं आ रही है। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई ये जो खिलाड़ी है बहुत ही जल्दी पवेलियन वापस जा सकता है, क्योंकि हारिस रऊफ के सामने ये खिलाड़ी फंसता हुआ भी हमको दिखाई देता है। तो भाई आज के मैच में मैं इकरम अली खेल को अपनी टीम में जगह नहीं दूंगा, इस खिलाड़ी को लेकर मैं अपना खेल खराब नहीं करूंगा, तो आप भी इस खिलाड़ी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें राशिद खान की, तो भाई राशिद खान कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब नजर आ रही। लास्ट के 10 मैचों में 13 विकेट इस खिलाड़ी ने अपने नाम पर किए हैं और वहीं भाई पाकिस्तान के सामने भी जो इनकी गेंदबाजी है वो कमाल की नजर आती है। पाकिस्तान के सामने 5 मैचेस खेल चुके हैं, 7 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं। भाई ये जो खिलाड़ी है ना राशिद खान खाता है पान और मचाता है तूफान, जब इनकी बल्लेबाजी का नंबर आता है तो अपने बल्ले से भी भाई ये कमाल करता हुआ नजर आता है खिलाड़ी, यानी कि कमाल के हिटर के तौर पे हमको दिखाई देते। बहुत सारे मैच इन्होंने फिनिश भी किए हैं चौके छक्के लगाकर, और वहीं जब गेंदबाजी का नंबर आता है तो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हैं भाई, एक एक दिन में 4-4 विकेट भी अपने नाम पर कर लेते हैं राशिद खान। चेन्नई के मैदान पर भाई इस खिलाड़ी ने 1 मैच खेला है, 1 विकेट अपने नाम पर गए। वहीं बात करें इंडिया में कितने ओडीआई मैचेस राशिद खान ने खेले, तो भाई इंडिया में 16 ओडीआई मैचेस इन्होंने खेले हैं और उन 16 मैचों में 29 विकेट अपने नाम पर किए, यानी कि कमाल की परफॉर्मेंस इंडिया के मैदान पर राशिद खान खेलते हुए नजर आए। जो इंडिया का मैदान है, इंडिया की जो सरजमीन है वो भी राशिद खान को काफी ज्यादा लुभाती है, काफी ज्यादा भाती है। वहीं वर्ल्ड कप की अगर बात करें भाई वर्ल्ड कप में राशिद खान ने 13 मैचेस खेल चुके हैं और उन 13 मैचों में 12 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई जो राशिद खान है ना कमाल की परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 2-3 विकेट अपने नाम पर कर सकते हैं। तो भाई राशिद खान को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह तो दूंगा, और साथ ही साथ भाई अगर 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो एक टीम में राशिद खान को कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन भी हम लोग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें मुजीबुर रहमान की, तो लास्ट के 10 मैचों में 11 विकेट इस खिलाड़ी ने अपने नाम पर किए। जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब नजर आ रही है, बहुत ही ज्यादा कमाल की गेंदबाजी करते हुए अभी इस टाइम मुजीबुर रहमान नजर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के सामने 5 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 5 मैचों में 9 विकेट अपने नाम पर किए, यानी कि 5 मैचों में 9 विकेट पाकिस्तान के सामने कमाल की परफॉर्मेंस है। चेन्नई के मैदान पर हालांकि 1 मैच इस खिलाड़ी ने खेला है, 1 विकेट अपने नाम पर किया है, और वहीं इंडिया के मैदान पर 11 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं मुजीबुर रहमान और 16 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं, यानी कि कमाल की परफॉर्मेंस कह सकते हैं इंडिया के मैदान पर ये जो खिलाड़ी है करता हुआ हमको नजर आता है। वहीं वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने 11 मैचेस खेले हैं और उन 11 मैचों 11 विकेट अपने नाम पर किए, यानी कि मुजीबुर रहमान की जो परफॉर्मेंस है वो कुल मिलाकर हमें काफी ज्यादा शानदार नजर आ रही है। जब बल्लेबाजी का कभी नंबर आता है तो अपने बल्ले से भी कमाल करते हुए मुजीबुर रहमान दिखाई देते हैं। तो भाई इस कमाल के खिलाड़ी को भी मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह दे रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें भाई नवीन उल हक की, तो भाई लास्ट के 10 मैचों में 16 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं, 10 मैचों में 16 विकेट, यार अच्छी खासी परफॉर्मेंस कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने अभी तक कोई भी मैच
मैचेस नहीं खेले हैं यहाँ के मैदान पर। भाई इस खिलाड़ी ने एक मैच खेला है, दो विकेट अपने नाम पर किए, यानी कि चेन्नई के मैदान पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। इंडिया के मैदान पर 6 ODI मैचेस इस खिलाड़ी ने खेला है और 6 मैचों में 8 विकेट अपने नाम पर किया है नवीन उल हक ने। वहीं वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई वर्ल्ड कप के 4 मैचेस खेल चुके हैं और 4 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं, यानी कि भाई वर्ल्ड कप में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो कुछ कमाल और धमाल की दिखाई नहीं देती। तो भाई नवीन उल हक को मैं अपनी टीम में आज के मैच में जगह नहीं दे रहा हूं। बाकी अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हैं तो एक टीम में अगर जगह देना चाहे तो इसी खिलाड़ी को जगह दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें भाई फसल हक फारूकी की, तो भाई जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा डगमगाई हुई नजर आ रही है, डगमगा चुके हैं भाई फसल हक फारूकी पूरी तरीके से, क्योंकि लास्ट के 10 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 9 विकेट इस खिलाड़ी को अपने नाम पर किए हैं। पाकिस्तान के सामने 3 मैचेस फजल हक फारूकी ने खेले हैं और 3 मैचों में 5 विकेट अपने नाम पर किए हैं। चेन्नई के मैदान पर 1 मैच इस खिलाड़ी ने खेला है, 1 विकेट अपने नाम पर किया। वहीं बात करें ओडीआई की, तो भाई ओडीआई के 4 मैचेस फजल हक फारूकी खेल चुके हैं और उन 4 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट अपने नाम पर किए हैं। वर्ल्ड कप का भी सेम इनका यही रिकॉर्ड है, यानी कि भाई इस टाइम जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डगमगाई हुई नज़र आ रही है। आज के मैच में मुझे लगता है कि भाई जो फजल हक फारूकी 1-1 विकेट अपने नाम पर कर सकते हैं, लेकिन इनकी ना काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो सकती है, हो सकता है भाई आज के मैच में इनकी जो पिटाई। हाँ तो दोस्तों इसीलिए मैं आज के मैच में फजल हक फारूकी को अपनी टीम में जगह नहीं दे रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में जान लिया कि भाई आज के मैच में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कमाल और धमाल मचाने वाला है और हमारी फंटेसी क्रिकेट की टीम को जिताने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आप बना सकते हैं फंटेसी क्रिकेट की बहुत ही परफेक्ट टीम, क्योंकि भाई इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही सारी जानकारी मिल गई है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मैं वीडियो के लास्ट में बनाकर दूंगा आपको एक परफेक्ट टीम, तो भाई ये रही मेरी परफेक्ट टीम। आज के मैच में इसी टीम के साथ खेलने वाला हूं। अगर इस टीम में कोई भी चेंजेस होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट दे देंगे मैच शुरू होने से पहले। और उसी के साथ साथ भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फैंटेसी क्रिकेट की एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 टीमें और मिल जाती हैं मैच शुरू होने से पहले। बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद हम वो आपको टीमें बना कर देते हैं, आप उन टीमों के साथ भी खेल सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि वो टीमें होती हैं विनिंग टीम। तो भाई अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई फटाक से ज्वाइन कर लो, लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जाओगे ना वहाँ पर जो पहला लिंक दिखाई दे रहा है वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फैंटेसी पिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।